हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम ब्लूटूथ स्पीकर की। पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, पर आज भी ये काफ़ी पॉपुलर स्पीकर है। तो आइए जानते हैं कि ये किस तरह का स्पीकर है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है और क्या आपको इसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 10 वॉट की पावर आउटपुट मिलती है। 2 5-5 वॉट के स्पीकर्स हैं, एक स्पीकर यहाँ है और एक स्पीकर यहाँ है। दोनों स्पीकर्स 180 डिग्रीज पर प्लेस्ड हैं, तो आपको 360 डिग्री का साउंड मिलता है इस स्पीकर से। इसके अलावा यहाँ टॉप पर आपको एक पैसिव रेडिएटर मिलता है, जिसे हम बेस रेडिएटर भी कहते हैं। पैसिव रेडिएटर एक एडिशनल स्पीकर होता है जो वाइब्रेट करता है और बेस यानी लो फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता है। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 1800 mAh की एक बैटरी मिलती है और पोर्ट्रॉनिक्स के मुताबिक 7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। इसके अलावा पोर्ट्रॉनिक्स साउंड ड्रम में आपको IPX6 की ड्यूरेबिलिटी रेटिंग मिलती है, जो इसे बनाती है स्प्लैश रेजिस्टेंट। तो अगर आप पानी के आसपास इस स्पीकर को यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने बाथरूम में गाने सुन रहे हैं और इसके ऊपर पानी गिर जाता है तो ये स्पीकर खराब नहीं होगा। IPX6 का मतलब ये नहीं है कि ये स्पीकर वाटरप्रूफ है, तो अगर आप इसको पानी में गिरा देते हैं तो ये खराब हो सकता है। साउंड ड्रम की जो सबसे बढ़िया बात है वो है इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 4.2 के अलावा FM रेडियो भी मिलता है और पेन ड्राइव से भी आप अपने गानों को सुन सकते हैं। इसके अलावा इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है, तो आप अपनी कॉल्स को स्पीकर पर ही अटेंड कर सकते हैं। साथ में इसमें ऑटो टर्न ऑफ फीचर है, तो अगर 10 मिनट तक आपके फ़ोन से आपके स्पीकर को कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और बैटरी को सेव करता है। वेट की अगर बात करें तो ये स्पीकर ना तो हल्का है ना भारी, इसका वजन लगभग 350 ग्राम है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये आपको आजकल मिल रहा है 1700 से 1800 की रेंज में। बॉक्स में आपको स्पीकर के अलावा मिलती है एक माइक्रो USB to USB चार्जिंग केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये स्पीकर आपको एक ही कलर ऑप्शन में मिलता है, जो है ब्लैक। डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा है, कैनिस्टर की तरह इसकी शेप है। यहाँ पर इन्होंने फैब्रिक ग्रिल से इस स्पीकर को कवर किया हुआ है, तो काफी प्रीमियम लगता है ये स्पीकर। यहाँ नीचे प्लास्टिक का बेस है, तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है कंसीडरिंग प्राइस वो अच्छी है। जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था कि इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, पर ये काफी कॉम्पैक्ट है। तो अगर हम इसके साइज को कंपेयर करें दूसरे 10 वॉट के ब्लूटूथ स्पीकर्स के साथ तो ये काफी कॉम्पैक्ट है। यहाँ टॉप पर आपको बेस रेडिएटर मिलता है, जिसके ऊपर पोर्ट्रॉनिक्स का लोगो है। ये बेस रेडिएटर किसी तरह से कवर्ड नहीं है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस बेस रेडिएटर के ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है कि आपका स्पीकर डैमेज हो जाए। यहाँ फ्रंट में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पावर ऑन एंड ऑफ का बटन, वॉल्यूम अप का बटन, वॉल्यूम डाउन का बटन और प्ले एंड पॉज का बटन। तो यहाँ पर जो ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन है, इनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर से। तो यहाँ पर अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो गाना आगे हो जाएगा और एक बार प्रेस करने पर गाना पीछे हो जाएगा, जबकि लॉन्ग प्रेस करने पर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं और लॉन्ग प्रेस करने पर वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो ये पावर और प्ले बटन है, ये मल्टीफंक्शन बटन्स हैं। पावर बटन से आप स्पीकर के मोड को चेंज कर सकते हैं, FM या फिर पेन ड्राइव। इसके अलावा जो ये प्ले बटन है, इससे आप रेडियो चैनल्स को सर्च कर सकते हैं और अपने कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं स्पीकर के ऊपर ही। यहाँ बटन्स के बिल्कुल ऑपोजिट एक फ्लैप है, जिसके नीचे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, माइक्रो USB चार्जिंग के लिए ऑक्सिलरी पोर्ट, पेन ड्राइव के लिए USB पोर्ट और ये LED इंडिकेटर। स्पीकर को ऑन करने के लिए पावर बटन को 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है। Power on. Bluetooth mode. तो अब मैं यहाँ पर 2-3 सॉन्ग्स को प्ले करता हूँ और फिर हम इसकी साउंड क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। Thank you.
in a sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो होती है स्पीकर की साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पर पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम की जो साउंड क्वालिटी है वो ओवरऑल अच्छी है। यहाँ नीचे इन्होंने वेंट्स दे रखे हैं जिसमें से जो फोर्स है वो बाहर निकलती है। तो अगर आपने इस स्पीकर को एक वुडन टेबल पर रखा हुआ है तो यहाँ पर टेबल पर आपको काफ़ी वाइब्रेशंस फील होती हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है। बेस की अगर बात करें तो बेस काफ़ी अच्छा है कंसीडरिंग इसका साइज़। बेस में पंच भी है, थंब भी है। तो अगर आप एक बेस हैवी गाना सुन रहे हैं तो यहाँ पर जो ये बेस रेडिएटर है ये वाइब्रेट करता हुआ दिखता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। मिड रेंज और हाई रेंज की बात करूँ तो वोकल्स में क्लैरिटी है। हालांकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहा था कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्पीकर में जो मिड्स हैं, जो वोकल्स हैं, वो थोड़े ओवर एम्पलीफाइड हैं, जिस कारण जो ट्रेबल है उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कम लगती है कुछ गानों में। पर अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं या फिर अगर आप कोई यूट्यूब शो देख रहे हैं तो आपको वोकल्स में जो लाउडनेस है वो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। लाउडनेस की अगर बात करूं तो 10 वाट के हिसाब से ये स्पीकर काफ़ी लाउड हैं। तो अगर आपके रूम का साइज़ मीडियम से बड़े साइज़ का है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी लाउडनेस के रिगार्डिंग। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्पीकर्स हैं वो प्लेस्ड हैं 180 डिग्रीज पर, तो आपको एक 360 डिग्री का साउंड मिलता है। तो अगर आपने स्पीकर को रूम के सेंटर में रखा है तो जो कमरे में जितने भी लोग हैं उनको एक ही जैसा साउंड मिलेगा मेरे हिसाब से। डिस्टॉर्शन की अगर बात करूं तो फुल वॉल्यूम पर मुझे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन फील हुई। अगर आप 90% या उससे ज्यादा वॉल्यूम पर गाने प्ले करते हैं तो डिस्टॉर्शन आपको मिलेगी। तो मैं यहां आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ये स्पीकर लेना चाहते हैं तो 80% या उससे कम में ही सुने। अब बात करते हैं पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम के प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्पीकर काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी पोर्टेबल है, साथ में आपको IPX6 की ड्यूरेबिलिटी रेटिंग मिलती है जो इसे बनाती है स्प्लैश रेजिस्टेंट। सबसे जो बढ़िया बात है स्पीकर की वो है इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस। तो आपको FM रेडियो भी मिलता है और आप पेन ड्राइव से भी गाने सुन सकते हैं। तो अगर आप पार्टीज़ वगैरह ज़्यादा करते हैं, आपको लाउड म्यूज़िक पसंद है, धूम धड़ाका आपको पसंद है, बेस आपको पसंद है, तो फिर आप पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कॉन्स की अगर बात करूँ तो कोई खास बड़ा कॉन नहीं है कंसीडरिंग इसका प्राइस और जो फीचर्स हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। पर एक दो छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि जो डिस्टॉर्शन है फुल वॉल्यूम पर वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीकर्स। इसके अलावा जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मिड रेंज में अगर थोड़ी सी क्लैरिटी और होती तो और बढ़िया होता। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 1700 से 1800 की रेंज में है और आप ढूंढ रहे हैं एक अल्ट्रा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, बैटरी लाइफ बढ़िया हो, साथ में कनेक्टिविटी के लिए आपको काफी ऑप्शंस मिले जैसे FM या पेन ड्राइव, और साथ में वो वाटर रेजिस्टेंट भी हो, तो पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम काफी अच्छी चॉइस है और आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम ब्लूटूथ स्पीकर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।